हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ खेल प्रशिक्षण यानी स्पोर्ट ट्रेनिंग, जिसके अंतर्गत हेल्थ रिलेटेड एंड मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस आते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चंस लेके आई हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग, चाहे फिजिकल एजुकेशन का कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे यूपी टीजीटी हो, यल्टी ग्रेड हो, चाहे केवीएस एनवीएस हो, चाहे एमपी टेट हो, चाहे किसी भी इस का टीजीटी पीजीटी हो, सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी के सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। एंड आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके सभी थ्योरी सेशन टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज एक एक करके आपको मिल जाएगा। और एक बार जब थ्योरी सेशन देखेंगे तो आपको कहीं और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और उसी से रिलेटेड चैप्टर वाइज सभी एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कराए गए हैं, और प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज के 100 से ज़्यादा वीडियोज भी कराए गए हैं, और डेली बेसिस पर मैं आपको दोनों टाइम प्रैक्टिस भी करा रही हूँ। तो पूरे मन से लग जाइए मेरे चैनल पर, जिससे आपको हर प्रकार की चीज़ें मिलेंगी। और अपने जो एथलेटिक बुक है उससे ही रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन ही मेन चीज़ है। जितना भी आपने पढ़ा है उसी से क्वेश्चंस आएंगे, बट रिवीजन न होने के चलते आप सही आंसर नहीं लगा पाते। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, वह योग्यता जिसको कि नियमन प्रक्रिया और गामक नियंत्रण के दृढ़ और आदर्श नमूनों के रूप में समझा जाता है, तथा जो खिलाड़ी द्वारा सामूहिक गतिविधियों को अच्छे प्रभाव एवं गुण के साथ करने के लिए खिलाड़ी को योग्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, किसी भी सामूहिक गतिविधि या किसी भी चीज़ को अच्छे प्रभाव, अच्छे गुण के साथ करने के लिए क्या चाहिए, उसमें समन्वय योग्यता चाहिए, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी चाहिए होता है। तो इसी कहते हैं समन्वय योग्यता, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। जैसा कि दोस्तों मैं बताई हूँ कि जो फिजिकल फिटनेस है दो प्रकार का है, हेल्थ रिलेटेड और हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस एंड मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। जैसा कि मैंने बताया है कि हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियो रिस्पिरेटरी एंड्योरेंस, बॉडी कंपोजिशन आदि आते हैं। और जो मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस है उसमें स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन ये सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समन्वय योग्यता यानी कोऑर्डिनेशन एबिलिटी कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों, यह चार भागों में विभाजित किया गया है। तो यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, स्पोर्ट ट्रेनिंग के किसी भी टॉपिक, चाहे हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे मोटर स्किल, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, स्पीड, इन सभी के बारे में जानने के लिए स्पोर्ट ट्रेनिंग वाले प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक वीडियो को देख लीजिए। उसमें समन्वय योग्यता के सात प्रकार के कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, तो इसका मैंने ट्रिक बताया था आपको कि ए बी सी डी आर आर ओ, इसी को याद कर लीजिए। इसी के आधार पर जैसे ए से हो गया एडाप्टेशन एबिलिटी यानी कि अनुकूलन योग्यता, बी से बैलेंस एबिलिटी संतुलन योग्यता, ठीक है। तो मैंने क्या इसका ट्रिक बताया है, इसका ट्रिक बताया है कि ए बी सी डी आर आर ओ, इसमें से ए से क्या हुआ, एडाप्टेशन एबिलिटी यानी अनुकूलन योग्यता, बी से बैलेंस एबिलिटी यानी संतुलन योग्यता, सी से क्यूपलिंग एबिलिटी यानी युग्मन योग्यता, डी से डिफ्रेंसिएशन एबिलिटी पृथककरण की योग्यता, आर से रिदमिक एबिलिटी तालमेल योग्यता, फिर आर से रिएक्शन एबिलिटी प्रतिक्रिया योग्यता, ओ से ओरिएंटेशन एबिलिटी यानी कि निर्धारण योग्यता। इस सात प्रकार के आपके कोऑर्डिनेशन एबिलिटी यानी समन्वय योग्यता होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी योग्यता होती है जो एक क्रिया के क्षेत्र से संबंधित समय और स्थान में परिवर्तन, समय और स्थान में शरीर की गतिविधियों एवं स्थिति में परिवर्तन का निर्धारण करती है। तो उसे हम कहते हैं ओरिएंटेशन एबिलिटी। आपको ध्यान ये देना है कि जहाँ समय और स्थान के स्थिति के अनुसार, समय और स्थान की स्थिति के अनुसार कोई खिलाड़ी या व्यक्ति स्वयं के साथ सामंजस्य स्थापित करता है,
वहाँ पे निर्धारण योग्यता यानी कि ओरिएंटेशन एबिलिटी होगा, यानी कि वो निर्धारण कर रहा है कि ये समय या स्थान उचित है या अनुचित है, तो स्वयं के साथ उसको सामंजस्य यानी कि तालमेल बैठाता है, वहाँ पे ओरिएंटेशन एबिलिटी होता है। लेकिन जहाँ पे ये शब्द आए कि बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार अपने आप को उसमें अनुकूलन कर लेना, वहाँ पे अनुकूलन योग्यता यानी एडाप्टेशन एबिलिटी होगा। ठीक है, बदलती हुई परिस्थिति जहाँ पे आएगा वहाँ पे एडाप्टेशन एबिलिटी होगा, और समय स्थान की स्थिति के अनुसार परिवर्तन निर्धारण करना, वहाँ पे निर्धारण योग्यता यानी कि ओरिएंटेशन एबिलिटी आएगा। तो इसको थोड़ा ट्रिक से आपको गहराई से सोचना होगा, तभी आप सही आंसर स्पोर्ट ट्रेनिंग में दे देंगे, क्योंकि स्पोर्ट ट्रेनिंग आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं, 10-12 क्वेश्चन आते हैं, और हमेशा इसमें आप लोग फंस जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी योग्यता होती है जो संकेत के साथ प्रभावी रूप से शीघ्र प्रतिक्रिया करती है? तो वह होती है आपका रिएक्शन एबिलिटी यानी कि प्रतिक्रिया योग्यता। जैसे कि दोस्तों आप स्प्रिंट दौड़ यानी 100 मीटर दौड़ स्टार्ट कर रहे हैं, उधर से बोला गया ऑन योर मार्क सेट एंड गो, जो ही गो का आपको संकेत मिला त्यों ही आप अपने आप की प्रतिक्रिया किए, उस संकेत के प्रति, उस बंदूक की आवाज़ के प्रति आपने प्रतिक्रिया किया, तुरंत दौड़ना स्टार्ट कर दिए। यानी कि किसी भी संकेत को तुरंत ग्रहण करना और उसके अनुसार तुरंत कार्य करना, प्रतिक्रिया करना, वही आपका प्रतिक्रिया योग्यता यानी कि रिएक्शन एबिलिटी होता है। ठीक है, किसी संकेत के प्रति रिएक्शन करना, प्रतिक्रिया करना। नेक्स्ट है, वह कौन सी योग्यता होती है जो स्थिर एवं गतिशील अवस्था में शरीर के भागों का संतुलन बनाए रखती है? तो वहाँ पे कौन सा योग्यता है? संतुलन योग्यता। ठीक है, संतुलन योग्यता वहाँ पे होगा, बैलेंस एबिलिटी। तो इसमें स्टैटिक एंड डायनेमिक यानी स्थिर और गतिशील अवस्था में शरीर के भागों का आपस में संतुलन होता है, वहाँ संतुलन योग्यता होता है। नेक्स्ट दोस्तों, परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार गतिविधियों में प्रभावशील परिवर्तन करने की योग्यता किसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं अनुकूलन योग्यता यानी एडाप्टेशन एबिलिटी। तो दोस्तों जहाँ पे बदलती हुई परिस्थिति हो गया, उन बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार प्रभावशील परिवर्तन करके उसमें अनुकूलन कर लेना ही आपका कहलाता है अनुकूलन योग्यता एडाप्टेशन एबिलिटी। तो ये एक ट्रिक याद रखिएगा, बदलती हुई परिस्थिति या बदलती हुई वातावरण या बदलता हुआ समय जहाँ पे दिखेगा और उसमें परिवर्तन करने की या अनुकूलन करने की योग्यता की बात कहेगा, तो वहाँ अनुकूलन योग्यता या एडाप्टेशन एबिलिटी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी योग्यता है जो कि खेल गतिविधियों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने हेतु शरीर के विभिन्न भागों की क्रियाओं को अर्थपूर्ण ढंग से संयुक्त करती है? तो उसको कहते हैं युग्मन की योग्यता। किसकी योग्यता? युग्मन की योग्यता। तो किसी भी क्रिया को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित करने के लिए आपके जितने ही शरीर के अंग हैं उन अंगों को आपस में तालमेल बैठाना ही आपका कोऑर्डिनेशन एबिलिटी या युग्मन योग्यता कहते हैं। जैसे कि फुटबॉल में गेंद को नियंत्रण लाने के लिए आपका दिमाग, पैर, हाथ को एक साथ समन्वित करना, यह आपका युग्मन योग्यता है। नेक्स्ट है आपका, वह कौन सी योग्यता है जो कि तालमेल के उच्च स्तर, शारीरिक गतिविधियों की बचत तथा गामक क्रियाओं के परिवर्तन से संबंधित है? तो दोस्तों उच्च स्तर की बात कह रहा है यहाँ पे, यानी कि डिफ्रेंसिएशन एबिलिटी यानी पृथककरण की योग्यता यहाँ पे है। यानी कि दोस्तों वह क्षमता जो एक व्यक्ति या गतिविधियों तथा गतिविधियों की अवस्था में अच्छे तालमेल की वजह से उच्च शिखर तक पहुँचाता है। यानी कि दोस्तों आप 10 बच्चे हैं, आपने उनका सभी चीज प्रशिक्षण दिया, ट्रेनिंग दिया, उसमें से तो एक किसी एक को सर्वश्रेष्ठ स्थान देंगे या उसमें से कोई सबसे बेस्ट होगा, तो उस बेस्ट को निर्धारण करने के लिए आपको पृथककरण की योग्यता लाना होता है, तभी तो पता चलेगा कि हाँ ये फर्स्ट स्थान पे है, सेकेंड, ए थर्ड। तो इस चीज़ को उच्च शिखर तक पहुँचाने की जो तालमेल की योग्यता होती है वह होती है पृथककरण की योग्यता यानी कि डिफ्रेंसिएशन एबिलिटी।
नेक्स्ट है, वह कौन सी योग्यता है जो बाह्य गतिविधि के लय को, लय की और भार को ग्रहण करने के पश्चात गामक क्रिया को उत्पन्न किया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आपका होता है किसी वाह गतिविधि के लय को तुरंत इसमें ग्रहण किया जाता है तो उसको हम लयात्मक योग्यता यानी कि रिदमिक एबिलिटी कहते हैं। जैसे स्केटिंग हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, ये सब खिलाड़ी जो है म्यूजिक के आधार पर अपनी गतिविधि करता है यानी कि म्यूजिक को सुनता है, उस म्यूजिक के आधार पर अपने गतिविधि या लय को क्रिया करता है, उसको अपनाता है, उसके पश्चात वह जो जैसे उसका जो ध्वनि होता है, म्यूजिक होता है, उसी के अनुसार वो रिएक्ट करता है। नेक्स्ट है, वह कौन सी क्षमता होती है जिसके द्वारा वास्तविक गामक क्रिया द्वारा तकनीक को प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों वह कौन सी क्षमता होती है जिसके द्वारा वास्तविक गामक क्रिया द्वारा तकनीक को प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि आपने जैसे कि मान लीजिए छः महीने का ट्रेनिंग हुआ, 5 महीने का ट्रेनिंग हुआ, अच्छा 8वां महीने आपका कंपटीशन है, तो जो 5 महीने का आपने ट्रेनिंग किया है, स्किल को सीखा है, उसी के आधार पर आप 6वें महीने में जो कंपटीशन होगा, प्रतियोगिता होगा, अपना प्रदर्शन करेंगे। तो वह क्या सीखे रहेंगे, 5 महीने में आपने स्किल अपना सीखा है, तो 5 महीने में आपने स्किल यानी कौशल जो है वही वास्तविक तकनीक को प्रदर्शित करता है किसी कंपटीशन या प्रतियोगिता में, आपकी स्किल का ही वो प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी गामक कार्य को करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो किसी गामक कार्य को करने के लिए हम जिस विधि को उपयोग किया जाता है उसे हम एक टेक्निक कहते हैं, एक तरीका कहते हैं, एक तकनीक बोल सकते हैं, टेक्निक, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रतियोगिता के दौरान कोई रणनीति बनाना क्या कहलाता है, तो उसके हम युक्ति कहते हैं, टैक्टिक्स जिसे बोला जाता है। प्रतियोगिता के दौरान अगर बना रहे हैं, प्रतियोगिता के पहले उस ऐसे तो किसी भी कार्य को करने से पहले एक योजना बनाया जाता है यानी स्ट्रेटजी बनाया जाता है। तो वो किसी कार्य को करने से पहले सबसे पहला स्टेप होता है योजना यानी कि स्ट्रेटजी। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रतियोगिता के दौरान यदि प्रतियोगिता हो रहा है आपको उस समय तुरंत कोई रणनीति या निर्णय लेना पड़ेगा, उस चीज को युक्ति या टैक्टिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवधिकालीनता यानी पीरियडाइजेशन के अंतर्गत कितने काल आते हैं, तो इसमें 3 काल आते हैं, एक होता है प्रिपरेशन पीरियड, एक होता है कंपटीशन पीरियड, एक होता है रिकवरी पीरियड। इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है और उस वीडियो को स्पोर्ट ट्रेनिंग के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, खेलों में वैज्ञानिक रूप से अवधिकालीनता पीरियडाइजेशन को कितने प्रकार में बांटा गया है, तो इसको 3 प्रकार में बांटा गया है दोस्तों। जैसा कि जैसे भी जो खेल प्रशिक्षण या साइकिल है इसी पीरियडाइजेशन के अंतर्गत ही आता है, जिसमें माइक्रो चक्र 3 से 12 माह का, मीजो चक्र 3 से 6 सप्ताह का, माइक्रो चक्र 3 से 10 दिन का यानी 1 सप्ताह का बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी अवधि का प्रशिक्षण चक्र कौन होता है, तो दोस्तों सबसे लंबी अवधि का प्रशिक्षण चक्र होता है मैक्रो चक्र। कौन होता है, मैक्रो चक्र, यानी कि प्रशिक्षण चक्र यानी ट्रेनिंग साइकिल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, मैक्रो चक्र, मीजो चक्र, माइक्रो चक्र। मैक्रो चक्र जो होता है ट्रेनिंग योजना भी उसे बोला जाता है, और सबसे बड़ा ट्रेनिंग साइकिल होता है, और 3 से 12 महीना कहिए, चाहे 1 साल, चाहे 365 दिन 52 सप्ताह भी कह सकते हैं, जैसे पूछेगा उसी तरह आंसर देना है। तो 3 से 12 महीने का ये होता है। और दूसरा होता है मीजो चक्र, जिसे मासिक ट्रेनिंग चक्र या मासिक चक्र या अवस्थन चक्र भी बोलते हैं। यह 3 से 6 सप्ताह का यानी कि 1.5 माह या 30 से 45 दिन का होता है, इसे मध्यम समय या अवस्थन होता है, इसलिए अवस्थन चक्र या मासिक ट्रेनिंग चक्र इसको बोला जाता है। इसको जो होता है अपने टू टेकल स्पेसिफिक ट्रेनिंग टास्क यानी उच्च शिखर को इसमें प्राप्त करने की कोशिश किया जाता है, ठीक है।
और तीसरा होता है माइक्रो चक्र, जो सबसे छोटा ट्रेनिंग चक्र होता है। ये सूक्ष्म अवधि या साप्ताहिक योजना भी इसे बोला जाता है, और इसका समय 3 से 10 दिन यानी एक सप्ताह तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम अवधि का प्रशिक्षण चक्र कौन कहलाता है, तो माइक्रो साइकिल, जो 3 से 10 दिन यानी एक सप्ताह का होता है। नेक्स्ट है 3 से 6 सप्ताह तक चलने वाला प्रशिक्षण चक्र क्या कहलाता है, तो वह है मीजो साइकिल, यानी 3 से 6 सप्ताह यानी 1 से 1.5 माह का होता है, यानी 30 से 45 दिन का। नेक्स्ट है 3 से 10 दिन तक चलने वाला प्रशिक्षण चक्र क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है माइक्रो साइकिल। 3 से 10 दिन दिया रहेगा या 1 सप्ताह दिया रहेगा, माइक्रो चक्र होगा वहां पे। नेक्स्ट दोस्तों, गति एवं ताकत का संयुक्त मिश्रण क्या कहलाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गति और ताकत का मिश्रण कहलाता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, यानी कि विस्फोटक क्षमता। नेक्स्ट है दोस्तों, जैसे कि विस्फोटक क्षमता जितने भी जंप आती हैं और तुरंत गतिविधि, यानी कि जैसे कि 100 मीटर स्टार्ट हो गया, एक्सेलरेशन जोन हुआ, वहां भी विस्फोटक शक्ति, जितने भी जंप है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ठीक है, वर्टिकल जंप, इसमें एक्सप्लोसिव क्षमता को मापा जाता है, मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है तनाव बढ़ने पर मांसपेशी की लंबाई कम होना क्या कहलाता है, तो दोस्तों तनाव बढ़ने पर मांसपेशी की लंबाई कम होने को कंस्ट्रेंसिक कंट्रक्शन बोलते हैं। जैसे कि हमारा जो स्ट्रेंथ को डेवलप करने की 3 विधियां हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक। जैसा कि बताया गया है, आइसोमेट्रिक जो होता है उसमें कोई गति नहीं होती है, मांसपेशी की लंबाई सेम होती है और लंबाई न बढ़ती है न घटती है, जैसे दीवार को धक्का मारना, और उसमें कार्य होता हुआ दिखाई नहीं देता। और दूसरा है आइसोटोनिक कंट्रक्शन। आइसोटोनिक कंट्रक्शन में क्या होता है, तनाव तो बना रहता है लेकिन मांसपेशी की लंबाई जो है बढ़ती भी है घटती भी है। अगर घटती है यानी कंट्रैक्ट हो रही है उसको कंसेंट्रिक कंट्रक्शन बोलते हैं, अगर बढ़ रही है तो उसको कहते हैं इंसेंट्रिक कंट्रक्शन। वही भी तीसरा होता है आइसोकाइनेटिक, जिसमें सेम गति होती है, वो मशीनों को द्वारा किया जाता है, अक्सर जल क्रीड़ा में किया जाता है, जैसे कि रोइंग, तैराकी आदि। नेक्स्ट है शक्ति सहनशीलता, यानी स्ट्रेंथ इंड्योरेंस, यानी शक्ति सहनशीलता को डेवलप करने के लिए प्रशिक्षण की सघनता होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसे प्रशिक्षण की सघनता, स्ट्रेंथ इंड्योरेंस शब्द जहाँ पे आ गया, वहाँ जो सघनता होगी यानी इंटेंसिटी होगी वह 40 से 60% होगी। जैसे कि जब हमारा जो डायनेमिक स्ट्रेंथ है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है, अधिकतम शक्ति यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ, उसमें आपका इंटेंसिटी यानी सघनता होता है 90 से 100%, पूरा बल लगा करके काम किया जाता है। और जो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होता है, जो गति और शक्ति का समन्वय होता है, उसमें आपका 70 से 80% आपका वो सघनता यानी इंटेंसिटी होता है। वही स्ट्रेंथ इंड्योरेंस यानी कि शक्ति और सहनशीलता का जिसमें समन्वय होता है, उसको उसमें जो आपका 40 से 60% या 40 से 50 भी कहीं दिया रहेगा वो भी राइट होगा, तो यहाँ पे इंटेंसिटी होगा। नेक्स्ट है स्पीड एबिलिटी, अधिकतम ताकत, एक्सप्लोसिव शक्ति को विकसित किया जाता है किसे, बारंबारता पद्धति से। नेक्स्ट है लचकता, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी कितने प्रकार की होती है, तो यह 2 प्रकार की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी किसके प्रकार है, तो लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी के। तो फ्लेक्सिबिलिटी 2 प्रकार का होता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में क्या होता है कि व्यक्ति स्वयं बिना किसी वस्तु या व्यक्ति की सहायता से स्वयं में ग्रेटर रेंज ऑफ मूवमेंट को, लचीलापन को हासिल करता है, जबकि पैसिव में किसी वस्तु या व्यक्ति की सहायता से करता है। नेक्स्ट है बैलेस्टिक मेथड यानी लयबद्ध खिंचाव विधि, एंड स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड यानी मंद खिंचाव विधि,
एवं स्लो स्ट्रेचिंग मेथड यानी कि मंद खिंचाव या स्थिरता विधि को किसको विकसित करने के लिए यह किया जाता है? यह लचीलापन को विकसित करने की विधियां हैं। जैसा कि दोस्तों लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी को विकसित करने की विधियां हैं बैलेस्टिक, स्टैटिक, डायनेमिक एंड पीएनएफ मेथड। सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लयबद्ध खिंचाव, लयबद्ध गति बाउंसिंग और बॉबिंग के साथ खिंचाव के साथ खिंचाव की मुद्रा को प्राप्त करने की विधि को कहते हैं बैलेस्टिक स्ट्रेच विधि। नेक्स्ट, लचीलेपन को विकसित करने की विधि को क्या कहते हैं जिसमें प्रगाहकों की तंत्रिका मांसपेशियों को उत्तेजित किया जाता है? इसको पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच विधि या पीएनएफ मेथड भी कहते हैं। प्रोपायोसेटिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलेशन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छे लचीलेपन के लिए शरीर के कौन से भाग इसके अनुरूप होना चाहिए? तो हृदय और संधि यानी कि हृदय और जोड़, अगर दोनों फ्लेक्सिबल हैं, अच्छे हैं, तो सबसे अच्छा लचीलापन हासिल किया जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, चाल यानी गति क्षमता के कितने प्रकार हैं? तो जैसे कि चाल यानी गति क्षमता जो होता है वह 5 प्रकार के हैं। क्या है? 5 प्रकार के चाल एवं गति क्षमता है। तो 5 प्रकार के चाल यानी गति कौन कौन से हैं? 5 प्रकार के कौन कौन से हैं? जैसे कि मैंने इसका ट्रिक बनाया है, आर ए एम एल एस यानी राम लस। यहाँ से आपका 5 है आपका R से रिएक्शन एबिलिटी यानी प्रतिक्रिया योग्यता, A से एक्सिलरेशन एबिलिटी यानी कि त्वरण योग्यता, M से मोमेंट या स्पीड या वेलोसिटी यानी कि गति की चाल, L से लोकोमोटर एबिलिटी यानी प्रचलन योग्यता, IS से स्पीड इंड्योरेंस यानी चाल सहनशीलता। ये 4 प्रकार के गति होते हैं और चारों के प्रकार थोड़ा सा मैं इसमें बता देती हूँ। 60 में रिएक्शन एबिलिटी यानी कि प्रतिक्रिया योग्यता, वह योग्यता जो एक संकेत पर जल्दी या सही रूप से प्रतिक्रिया करे, जैसे कि आंखों से देखकर, कानों से सुनकर, जैसे 100 मीटर फर्राटा दौड़ में बंदूक की आवाज़ सुनकर तुरंत संकेत के प्रति प्रतिक्रिया करना। और ये रिएक्शन एबिलिटी जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, साधारण प्रतिक्रिया योग्यता यानी सिंपल रिएक्शन एबिलिटी और दूसरा जटिल प्रतिक्रिया योग्यता यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। साधारण प्रतिक्रिया योग्यता में आपका रिपीटेशन मेथड, अंश में यानी पार्ट मेथड, सेंसरी मेथड सामान्य विधि आता है, जबकि जटिल प्रतिक्रिया योग्यता यानी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी में पूर्वानुमान अनुक्रिया आता है। दूसरा होता है आपका मोमेंट या स्पीड या वेलोसिटी यानी गति की चाल, यानी कि वह क्षमता जो कम से कम समय में गति आरंभ करे उसे कहते हैं मोमेंट या स्पीड या गति की चाल। फिर होता है लोकोमोटर एबिलिटी। लोकोमोटर एबिलिटी क्या होता है दोस्तों? ये उच्च चाल को अधिकतम समय तक या दूरी तक बरकरार रखता है, यानी अधिकतम समय में अधिकतम गति को बनाए रखना ही आपका लोकोमोटर एबिलिटी होता है। जैसे 100-200 मीटर दौड़ में तो लोकोमोटर एबिलिटी यानी प्रचलन योग्यता जिसका ही नाम है प्रचलन, यानी कि शुरू से लास्ट तक गति को अधिकतम चाल, उच्च चाल को अधिकतम समय या दूरी तक बरकरार बनाए रखना, यही आपका होता है। जैसे कि आप जितने ही कम दूरी की चीजें होंगे, कम समय का क्रिया होगा, उसमें आप अधिकतम चाल को अधिकतम समय तक बनाए रख सकते हैं, उसी को कहते हैं लोकोमोटर एबिलिटी। और एक होता है एक्सिलरेशन एबिलिटी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी स्थिर अवस्था से अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता। जैसे कि आप जब स्प्रिंट दौड़ स्टार्ट करते हैं तो आप स्थिर अवस्था में होते हैं, एकाएक गो के संकेत करते ही प्रतिक्रिया करते हैं, उसके बाद स्थिर अवस्था से एकदम अधिकतम गति को प्राप्त करते हैं, स्पीड से जाते हैं, यानी कि वह क्षमता जो चाल की उच्च गति को प्राप्त करने में सहायक होती है उसे हम कहते हैं एक्सीलरेशन एबिलिटी। ठीक है,
और एक होता है आपका स्पीड एंड्योरेंस, यानी थकान की स्थिति में उच्च गति और चाल से दौड़ने की योग्यता को कहते हैं स्पीड एंड्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गति योग्यता की जटिल प्रतिक्रिया योग्यता यानी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी को विकसित करने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसमें अपनाई जाती है पूर्वानुमान एवं अनुक्रिया विधि। पूर्वानुमान यानी एंटीसिपेशन एंड अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज गति से किसी चाल की पुनरावृत्ति, आसान सी स्थिति में किसी चाल का अभ्यास कराना या अभ्यास को तेज एवं लयात्मक तरीके से कराना, यह सभी किसको विकसित करने के लिए कराया जाता है? तो यह गति चाल को विकसित करने के लिए कराया जाता है। नेक्स्ट है, चाल सहनशीलता को विकसित करने के लिए किन विधियों का उपयोग किया जाता है? तो स्ट्रेट एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए प्रयोग किया जाता है रिपीटेशन मेथड एंड इंटरवल मेथड। किसी भी चीज़ को रिपीट करेंगे, बार बार करेंगे तो आप में सहनशीलता, स्ट्रेंथ यानी शक्ति और सहनशीलता दोनों डेवलप होगी। और इंटरवल मेथड, ठीक है, इंटरवल मेथड यानी कि गैपिंग दे दे करके आप कार्य करेंगे, जैसे कि इंटरवल मेथड के बारे में डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे उसमें आपको रिकवरी किया जाता है और कैसे आपको 180 हार्ट रेट तक पहुंचा जाता है। तुरंत फिर जैसे ही हार्ट रेट आपका 120 से 140 के मध्य पहुंचता है और तुरंत फिर से क्रिया स्टार्ट कर दिया जाता है, यानी अनकम्प्लीट रिकवरी रखा जाता है इंटरवल मेथड। तो स्पीड चाल सहनशीलता, स्पीड एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए सबसे बेस्ट विधि है इंटरवल मेथड। तो इसमें रिपीटेशन और इंटरवल विधि से आप चाल सहनशीलता को विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विभिन्न खेल गतिविधियों की विशेषताओं के आधार पर ब्लूम ने खेलों की किन 7 महत्वपूर्ण समन्वय तालमेल योग्यताओं का वर्णन किया है? तो उन्होंने 7 महत्वपूर्ण, जैसा कि मैंने बता ही दिया है आपको, यहाँ पे 7 तो नहीं दिया है बट मैं बता दे रही हूँ, एक बार बता ही दी हूँ। यहाँ पे क्यूबलिंग एबिलिटी, पृथक्करण की योग्यता, डिफरेंस एबिलिटी ही बस दिया है। तो यहाँ पे मैंने बताया है आपको कि जो समन्वय योग्यता है 7 प्रकार की होती है, ए बी सी डी आर आर ओ, यानी कि एडाप्टेशन एबिलिटी, बैलेंस एबिलिटी, क्यूबलिंग एबिलिटी, डिफ्रेंसिएशन एबिलिटी, रिदमिक एबिलिटी, रिएक्शन एबिलिटी, ओरिएंटेशन एबिलिटी। ये आपके 7 प्रकार के हैं, 7 के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है, आप उस चैनल, उस वीडियो को चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, स्फूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, स्फूर्ति का ही दूसरा नाम रखा गया है कोऑर्डिनेशन एबिलिटी समन्वय योग्यता। दोस्तों पहले इसी को स्फूर्ति में गिना जाता था लेकिन बाद में स्फूर्ति के स्थान पर कोऑर्डिनेशन एबिलिटी यानी कि समन्वय योग्यता रख दिया गया। तो स्फूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व हैं आयु, मौसम और थकावट। ठीक है, छोटा बच्चा तो उतना आपका कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकता, मौसम अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है वो भी आपको, थकावट है तो भी आप ऐसा अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आयु, लिंग, शारीरिक बनावट एवं खुराक तथा मौसम किसको प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो यह शारीरिक स्वास्थ्यता यानी कि फिजिकल फिटनेस को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट है, खिलाड़ी की गतिशीलता तथा विशेष ताकत, बल व सहन शक्ति एवं तकनीकी किसको प्रभावित करने वाले कारक हैं? ये सभी आपको गति यानी स्पीड को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट है कि उन्नत स्वास्थ्य तथा तंदुरुस्ती में सुधार, उन्नत रंग रूप एवं सामाजिक जीवन का बढ़ना, दमखम स्टेमिना यानी कि सहनशीलता बढ़ना, ये सभी किस लाभ किससे होते हैं? दोस्तों तो ये सभी फिजिकल फिटनेस यानी शारीरिक स्वास्थ्यता से होते हैं। अगर शारीरिक स्वास्थ्यता से, शरीर रूप से आप फिट हैं तो ये सभी चीज़ें आप में होता है, स्फूर्ति, गति, तंदुरुस्ती, उन्नत स्वास्थ्य, उन्नत स्टेमिना, सहन शक्ति आप में होती है एक फिजिकल फिट व्यक्ति में, शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में। नेक्स्ट है, एक ही स्थान पर दौड़ने पर लगभग कितनी कैलोरी की खपत होती है? तो एक स्थान पर दौड़ने पर आपको 550 कैलोरी खपत होती है। ठीक है,
जैसे कि दोस्तों फिजिकल फिटनेस को ऐसे प्रकाशित किया गया या परिभाषित किया गया है कि डेली रूटीन वर्क विदाउट एनी फटीग, यानी कि डेली दैनिक कार्य को आप बिना थकावट के संपन्न करते हैं, उसके बाद भी आपको कुछ और कार्य करने की ऊर्जा बची रहती है, उसी को कहते हैं कि वो इंसान फिजिकली रूप से फिट है, यानी फिजिकल फिटनेस उसी को कहते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि एक स्थान पर दौड़ने पर लगभग कितनी कैलोरी की खपत होती है, तो 550 कैलोरी। वहीं पे आप 6 मील प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिलिंग करने पर लगभग कितनी कैलोरी ऊर्जा खपत होती है, तो 4000 से 5000 कैलोरी। यदि 6 मील प्रति घंटा की रफ्तार से आप साइकिल चला रहे हैं, वहाँ पे आपका ऊर्जा यानी कैलोरी कितना व्यय हो रहा है, तो 4000 से 5000 कैलोरी। एंड नेक्स्ट है 4 मील प्रति घंटा की दर से चलने पर कितनी कैलोरी ऊर्जा खपत होगी, तो 2500 से 3000 कैलोरी ऊर्जा खपत होगी 4 मील प्रति घंटा की दर से चलने पर। यानी कि दोस्तों आपको कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो आपके कार्य के अनुसार होना चाहिए। यदि आप बैठे हैं आराम से हैं, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आपको कम एनर्जी की आवश्यकता है। कोई कार्य कर रहे हैं, जैसा कार्य चाहे मेहनत वाला या कम मेहनत वाला, उसके अनुसार आपको एनर्जी चाहिए होता है, खुराक चाहिए होता है, जो भी आप डाइट लेंगे भोजन लेंगे वो कार्य के अनुसार होता है। नेक्स्ट है शरीर या देह की मुख्य तौर पर सेल्डन द्वारा कितने और कौन सी किस्में बताई गई हैं। दोस्तों सेल्डन ने बॉडी टाइप को 3 प्रकार में बांटा है, एंडोमोर्फिक, मेसोमोर्फिक एंड एक्टोमोर्फिक। नेक्स्ट है खिलाड़ी के अच्छे प्रदर्शन के लिए चिंता का स्तर कितना होना चाहिए। दोस्तों तो चिंता का स्तर, हाँ किसी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं तो सोचना तो पड़ेगा, बट उस चीज़ के बारे में इतना नहीं सोचना कि आप डिस्टर्ब हो जाए, तो बीच का जो चिंता का स्तर होना चाहिए बीच का होना चाहिए। नेक्स्ट है एक खिलाड़ी को अपने अभ्यास से लगभग कितने घंटे पहले भोजन करना चाहिए। तो कभी भी जो भी अभ्यास या व्यायाम या योगा को भी कर रहे हैं, तो 3 से 4 घंटे पहले भोजन आपको करना आवश्यक है, और भोजन करने के 3-4 घंटे बाद ही आप योगा या प्राणायाम या कुछ भी सारी क्रिया जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो कर सकते हैं। भोजन करने के तुरंत बाद कभी भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, कौन सा समय कसरत करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, तो वो मॉर्निंग टाइम यानी सुबह का समय सबसे बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट है शारीरिक फिटनेस व्यक्ति को अवयव क्षमता से संबद्ध है, जिसमें हम अपने रोजाना के सामान्य कार्य बिना थके या थकान के साथ संपन्न करते हैं, और अचानक आने वाली किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त बल और ऊर्जा सुरक्षित रखते हैं। यह किसने कहा है दोस्तों, इस बात को कहा है निक्सन ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आप याद कर लीजिएगा कि डेली रूटीन वर्क यानी कि जितने भी दिन भर के कार्य हैं हम उसको बिना थके हुए या थकान के साथ करते हैं, और इसके अतिरिक्त अचानक से कोई आपात स्थिति आ जाए तो उससे भी निपटने के लिए हमारे पास पर्याप्त या बल रहती है, उसी को कहते हैं फिजिकल फिटनेस, इस बात को कहे हैं निक्सन ने। नेक्स्ट है फिजिकल फिटनेस को कितने भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों तो 2 भागों में, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस एंड मोटर स्किल रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल फिटनेस को कौन से 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस तथा मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, दोनों के बारे में मैंने थ्योरी सेशन में अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए, और लगे रहिए मेरे चैनल पर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने के लिए। फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।